हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। दिस इज़ चैप्टर नंबर 8, द लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के डिफरेंट टाइप ऑफ फोक आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन फोक आर्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड साथ ही साथ हमने फोक पेंटिंग्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारा मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, गॉन पेंटिंग एंड पिथौरा पेंटिंग हम लोग पार्ट वीडियो जो नंबर 1 है इस चैप्टर का, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने जो रिमेनिंग पेंटिंग्स थी, दैट मींस जो रिमेनिंग फोक आर्ट पेंटिंग्स थी, उन्हें डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारी मोस्टली हमारी फर पेंटिंग्स थी। फर पेंटिंग के अंदर हमने जो डिफरेंट रीजन में, दैट मींस बंगाल के अंदर जो पट पेंटिंग्स बनती हैं उसे बंगाल पट पेंटिंग्स बोलते हैं, उड़ीसा के अंदर पूरी पट पेंटिंग्स बोलते हैं, एंड जो राजस्थान के अंदर पट पेंटिंग्स बोलती हैं उन्हें पट पेंटिंग ना बोल करके उन्हें फड़ पेंटिंग्स बोलते हैं। तो हमने सेकंड वीडियो में हमने इस चीज़ को कवर किया था, एंड आज की वीडियो में हम लोग जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है आपका स्कल्पचर ट्रेडिशन। पेंटिंग वाला ट्रेडिशन जो था, या जो पेंटिंग का जो पोर्शन था, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर, एंड इस पार्ट के अंदर हम स्कल्पचर वाला पार्ट कवर करेंगे। तो स्कल्पचर के अंदर बेसिकली आपका ढोकरा कास्टिंग है, एंड सेकंडली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ढोकरा कास्टिंग, एंड सेकंड इज टेराकोटा स्कल्पचर, दैट मींस जो हमारे मिट्टी की जो मूर्तियाँ, जिससे आप सभी लोग अच्छे से भलीभांति परिचित हैं। तो इन दोनों ही स्कल्पचर ट्रेडिशन को हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। स्कल्पचर ट्रेडिशन, स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ क्ले, टेराकोटा, मेटल एंड स्टोन आर फेमस इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो स्कल्पचर ट्रेडिशन की, या यूँ बोल लीजिए इंडिया के अंदर जितने भी मूर्तियाँ वगैरह अब तक बनती आई है एशियन टाइम से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक, जो स्कल्पचर्स बनते आ रहे हैं वो हमने मोस्टली हम लोगों जो हमने देखी है जो ट्रेडिशन वे में बनती आ रही है वो क्ले से देखी है हमने। क्योंकि एशियन टाइम में अगर आपको आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ पे भी आपको क्ले से बनी हुई स्कल्पचर्स मिले थे, मेटल के आपको स्कल्पचर्स मिले थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा था, आपका डांसिंग गर्ल। तो मेटल कास्टिंग भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और स्टोन के स्कल्पचर्स भी हमें उस एरा से हमें मिले थे। तो ये बहुत एशियन टाइम से ही चला आ रहा है, ये ट्रेंड है, ये ट्रेडिशन है। सम ऑफ द फॉलोइंग, ढोकरा कास्टिंग जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ढोकरा कास्टिंग, और ये आपकी जो मेटल कास्टिंग था जो हम ऑलरेडी जो हमारा ये कंटेंट या ये टॉपिक हमारा 11th के अंदर भी आया है, उसी की तरह सिमिलर है, जिसके लिए हमने एक बेसिकली एक टेक्निक पढ़ी थी जिसका नाम था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उसी टेक्निक के थ्रू, उसी टेक्निक के माध्यम से ये ढोकरा कास्टिंग क्रिएट की जाती है। तो इसके बारे में देखिए, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ढोकरा कास्टिंग। इस तरह के जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ढोकरा कास्टिंग से क्रिएट किए जाते हैं। दिस इज़ वन मोर एग्जांपल। ढोकरा और मेटल स्कल्पचर मेड फ्रॉम लॉस्ट वैक्स और सिरे पर्डू टेक्निक। ढोकरा और मेटल स्कल्पचर्स मतलब कि जो ढोकरा से जो भी ढोकरा कास्टिंग से जो भी स्कल्पचर्स बनते हैं वो बेसिकली मेटल के ही स्कल्पचर्स होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपकी एक टेक्निक होती है जिसका इसमें यूज़ किया जाता है, और उस टेक्निक का प्रॉपर नेम क्या है, लॉस्ट वैक्स। एंड एशियन टाइम में, या यूँ बोल लीजिए आपकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या पुराने ज़माने से जो उसका जो ट्रेडिशन नेम था वो उसका नाम है सिरे पर्डू। क्या नाम है, सिरे पर्डू। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेटल क्राफ्ट ऑफ बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल आर फेमस। और जो ये मेटल कास्टिंग जो होती है, जो मेटल के जो क्राफ्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इंडिया के अंदर मोस्टली आपके बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड मिदनापुर, वेस्ट बंगाल का जो मिदनापुर एरिया है वहाँ की मेटल कास्टिंग या मेटल क्राफ्ट्स जो है वो फेमस माने जाते हैं। द मेटल क्राफ्ट्समैन ऑफ बस्तर आर कॉल्ड गढ़वा।
जो बस्तर के जो बस्तर रीजन है, जो एरिया है, वहाँ पे जो मेटल के जो क्राफ्ट्समैन होते हैं या मेटल कास्टिंग करने वाले जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें बेसिकली उन्हें गढ़वा वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, या यूं बोल लीजिए उसे, उन्हें उन कारीगरों को या उन आर्टिस्टों को गढ़वा नाम से जाना जाता है। और गढ़वा जो प्रॉपर जो वर्ड है, मतलब गढ़ना, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, शेप देना या क्रिएट करना। गढ़वा वर्ड मीनिंग मीनिंग इज द एक्ट ऑफ शेपिंग एंड क्रिएटिंग। गढ़वा जो एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी जो कोई भी फॉर्म होता है, या कोई भी आपका जैसे मेटल हुआ चाहे स्टोन हुआ, जो मटेरियल होता है उसको बेसिकली आप किसी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे गढ़ना बोलते हैं। ठीक है, तो गढ़ने वाले को गढ़वा बोला जाता है। इसमें आर्टिस्ट मेड डेली यूजेस यूटेंसिल्स, मेड ऑल्सो ज्वेलरी, आइकन ऑफ लोकल डाइटीज, स्नैक, एलिफेंट, हॉर्स फॉर वोटिव, ऑफरिंग फॉर वर्कशिप एसेट्रा। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो इसी टेक्निक से, दैट मीन्स जो सिरे पर्डो और लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से या इस टेक्निक के थ्रू वो लोग जो यूटेंसिल्स होते हैं, दैट मीन्स जो डेली यूज़ के जो हमारे बर्तन होते हैं, उनको भी क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ ज्वेलरी को भी इस मेथड से क्रिएट किया जाता है। और जो हमारे लोकल डाइटीज हैं, उनका जो फॉर्म होता है, मतलब उनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से क्रिएट की जाती है, मतलब बनाई जाती है। साथ ही साथ जो हमारे डेकोरेटिव पीस होते हैं, जैसे स्नेक, एलिफेंट, हॉर्सेस, इस टाइप की जो आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें भी क्रिएट किया जाता है। किसके लिए? पूजा पाठ के लिए, उन्हें पूजा पाठ में ऑफर करने के लिए उन्हें क्रिएट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ ढोकरा कास्टिंग। अब जो ढोकरा कास्टिंग की प्रोसेस कैसे होती है, वो देखिए। एक तरह से देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, जो नदी किनारे जो बैंक रिवर होता है, वहाँ से हम लोग बैक जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है उसे कलेक्ट करते हैं। द ब्लैक सॉइल इज कलेक्टेड फ्रॉम द बेड और ऑफ अ फील्ड। या तो नदी किनारे से उस ब्लैक सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा, या तो फिर खेतों से उस मिट्टी को कलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद इट इज मिक्स्ड विद राइस हस्क इन अप्रोप्रिएट रेशियो एज क्ले टेंड टू ब्रेक वाइल्ड ड्राइंग। और इसके साथ में, दैट मीन्स जो ब्लैक सॉइल होती है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको पानी में भिगो करके, एंड भिगोने के बाद उसका जो जो भी जितना भी कंकड़ वाला जो पार्टी, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं इस मिट्टी के अंदर, क्ले के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए उसको एक बेड बनाया जाता है। ज़मीन पे ही बेसिकली उस बेड को तैयार करते हैं, उसके अंदर पानी भर करके एंड उस क्ले को भिगा दिया जाता है। भिगाने के बाद में जैसे ही वो मिट्टी गलना शुरू होती है, लिक्विड ही हो जाती है, कीचड़ की तरह हो जाती है, देन उसको फिर छाना जाता है कपड़े के माध्यम से, या उस कपड़े के थ्रू उसे छानते करते हैं। छानने से क्या होता है, जो उसके जो इतने भी हार्ड वाले, या यूँ बोल लीजिए जो उसके स्टोन्स होते हैं, वो उसमें रह जाते हैं। जो जो भी जालीदार कपड़ा होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, एंड जो नीचे होती है वो प्योर आपकी क्ले हमारे पास कलेक्ट हो जाती है। देन उसको फिर उस क्ले को, जो जितना भी हमारे पास पोर्शन कलेक्ट हुआ है जो लिक्विडी फॉर्म में होता है, उसको क्या करते हैं, एक नॉर्मली कपड़े में बिछा, उसे ज़मीन पे ही बिछा दिया जाता है, ताकि उसका पानी क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद कपड़े के ऊपर एक एक क्ले टाइप की एक मिट्टी जमा हो जाती है, जिसमें से पानी बिल्कुल रिमूव हो चुका होता है, और वो एक हमारे हमारे पास एक स्कल्पचर या किसी भी तरह के कास्टिंग के लिए वो तैयार क्ले एक रेडी हो जाता है। अब उस क्ले के अंदर हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन से, मतलब 2:1:2 के रेशियो से, उसमें जो राइस हस्क होता है, दैट मीन्स जो चावल का जो धान होता है, उसका जो कचरा होता है, जिसे भूसी बोलते हैं, हम हस्क बोलते हैं, उसे उसके अंदर मिक्स किया जाता है एंड उसको नीट किया जाता है, ताकि उससे जब हम किसी भी शेप में से कन्वर्ट करें, तो वो इजीली उसमें कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो।
इट इज मिक्सड विद राइस हस्क इन अप्रोप्रिएट रेशियो एज क्ले टेंड टू ब्रेक वाइल ड्राइंग. जो मैंने आपको बताया राइस हस्क मिक्स करके उसको नीट किया जाता है. देन उसके बाद इसको इस तरह से नीट करके इस तरह का क्ले में जैसा पिक्चर में देख पा रहे हो इस क्ले को इस तरह से रेडी किया जाता है. देन इसके बाद इससे फिर द बेसिक मॉडल ऑफ क्राफ्ट इज मेक एंड ड्राइड फॉर अ डे. जो हमने एक एक मिक्सचर जो रेडी किया है राइस हस्क प्लस जो क्ले का हमने एक मिक्सचर जो रेडी किया है उस मिक्सचर से फिर हमें जो जो भी क्राफ्ट हमें रेडी करना होता है उसका एक मॉडल हमें उस मिट्टी के उससे हम क्रिएट करते हैं. अब जो ढोकरा कास्टिंग होती है दो तरीके से होती है. एक होती है होलो टाइप में, दैट मीन्स केवल ऊपरी वाला जो पार्ट होता है उसी के अंदर वो पूरा पोर्शन क्रिएट होता है, और एक होता है पूरा कम्प्लीटली पार्ट को कवर किया हुआ जो सॉलिड फॉर्म में होता है. तो दो तरीके से आपकी ये ढोकरा कास्टिंग की जाती है. अब जो ये वाला मेथड है ये अंदर से पूरा होलो रहेगा, अंदर से पूरा खोखला रहेगा, दैट मीन्स है ना. तो इसका बेसिक क्राफ्टमैन का मॉडल इससे रेडी करते हैं एंड उसको फिर छोड़ देते हैं. जो जिस तरह का आर्टिकल इन्हें बनाना है, जिस शेप का इनको आर्टिकल चाहिए, उस शेप में पहले इस क्ले से इसका मॉडल तैयार किया जाता है एंड धूप में उसे सुखा दिया जाता है. जैसे कि आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये एक तरह का एक ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रेडी कर रहा है आर्टिस्ट एंड उसको इसी शेप में उसको बनाना है. तो देन उसने उसका एक मॉडल तैयार कर दिया है. फॉर सेकेंड लेयर क्लीन्ड रिवर साइड सॉइल इज मिक्सड विद डंग एंड वाटर. एंड जो सेकेंड लेयर होती है दैट मीन्स जो आर्टिकल उसने रेडी किया मॉडल रेडी किया है उसके ऊपर सेकेंड लेयर करने के लिए जो जो ये गढ़वाल होते हैं दैट मीन्स जो ये आर्टिस्ट होते क्राफ्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं रिवर साइड की सॉइल को कलेक्ट करके एंड इसके अंदर काउ किसी भी तरह का डंग दैट मीन्स काउ डंग भी होता है या बैफलो डंग भी होता है, मतलब जो गोबर जिसे हम बोलते हैं उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं. रिवर साइड सॉइल इज ईजी टू मोल्ड विच फैसिलेट्स गुड फाइनल शेप. जो नदी किनारे से जो हमें मिट्टी मिलती है जो रिवर साइड जो सॉइल होती है वो ईजीली मोल्डेड होती है, दैट मीन्स उसके अंदर चिकनापन ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है. मतलब ये मोल्डेबल सॉइल होती है. तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी किसी भी तरह के जो मिट्टी के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं वो आपके मोस्टली रिवर साइड से ही कलेक्ट की हुई मिट्टी से इसको क्रिएट किया जाता है. और आपने देखा होगा जो घड़े वगैरह भी कुम्हार जो बनाते करते हैं उसके लिए भी वो बेसिकली इसी तरह की सॉइल का यूज़ करते हैं जो ईजीली मोल्डेड हो. विच फैसिलेट गुड फाइनल शेप, जिससे हमें ईजीली अच्छा शेप क्रिएट करने को मिलता है. नेक्स्ट प्रोसेस होता है एंड काउ डंग अलाउड टू वैक्स टू मेल्ट आउट ऑफ द कास्ट. एंड जो उसमें काउ डंग जो मिक्स किया जाता है उसकी वजह से वैक्स ईजीली क्या होता है मेल्ट होने लगता है एंड कास्टिंग ईजीली क्रिएट होती है. आफ्टर ड्राइंग इट फॉर अ डे इट इज फिल्ड विद सैंड पेपर टू अचीव प्रॉपर शेप. एंड इसके बाद इस प्रोसेस के बाद दैट मीन्स सेकेंड जो लेयरिंग होती है उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है एक दिन के लिए, और सूखने के बाद इसके ऊपर फिर वापस से सैंड पेपर से इसके ऊपर प्रॉपर शेप दी जाती है. दैट मीन्स उसके ऊपर किसी तरह की रफनेस ना हो उसके लिए उसको सैंड पेपर से उसको क्या किया जाता है घिसा जाता है. देन अ वेरी थिन सेमी लिक्विड लेयर ऑफ ब्लैक सॉइल इज अप्लाइड ओवर द मॉडल. एंड इसके बाद फिर वो लोग आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं वापस से ब्लैक सॉइल की बिल्कुल लिक्विडी लेयर जो सेमी लिक्विड दैट मीन्स वो ना तो ज़्यादा रनी होती है ना ही ज़्यादा गाढ़ी लेयर होती है. तो एक सेमी लिक्विड लेयर को उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि उसका जो सरफेस है बहुत ही ईजीली स्मूथ हो जाए. ये देखिए इसमें पूरा प्रॉपर उसको कवर कर दिया ब्लैक सॉइल से एंड एक प्रॉपर क्लीन शेप वहाँ पे क्रिएट हो गया है अगर आपको दिख रहा है पिक्चर में.
देन इसके बाद द मॉडल इज अगेन ड्राइड फॉर द नेक्स्ट लेयर, एंड इसके बाद फिर मॉडल को नेक्स्ट लेयर के लिए सुखाया जाता है। इसमें प्रॉपरली लेयर बाय लेयर्स में काम होता है, एंड इसको एक लेयर कंप्लीटली सूखने के बाद ही देन दूसरी लेयर इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। द बीन लीव्स एंड क्रश्ड एंड अप्लाइड ओवर विच प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम स्टिकी टू द मॉडल। इसके ऊपर फिर कुछ एक जो बीन्स होती हैं, जैसे मैं जो फली के कुछ लीव्स होती हैं, एक तरह की बीन्स आती हैं, उनकी लीव्स को क्रश करके एंड इसके ऊपर पूरा अप्लाई करते हैं ताकि एक मॉडल के ऊपर एक स्टिकी लेयर बन जाए, सॉइल के ऊपर एक स्टिकी लेयर बन जाए। ताकि ये देखिए, द बीन्स लीव्स आर क्रश्ड एंड अप्लाइड ओवर विच प्रिवेंट्स द सॉइल फ्रॉम स्टिकी टू द मॉडल। अगर आपको दिख रहा हो, देखो इसमें इसके ऊपर लेयर की जा रही है, सब उसे घिसा जा रहा है। इट इज अगेन लेफ्ट टू ड्राई फॉर अ डे, देन उसके बाद इसको वापस से एक दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। धूप, ऑल्सो नो एज इंसन स्टिक, इज टर्न इन टू पाउडर फॉर इट्स चारकोल डस्ट इन इंग्रेडिएंट। अब जो इसके अंदर जो धूप होती है, जिसे हम बेसिकली हमें क्या बोलते हैं, हम इंसन स्टिक्स भी बोलते हैं। आपने अगर बत्ती की जो देखी होंगी ना धूप, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके साथ में चारकोल डस्ट को मिक्स करके इसे कूटा जाता है। इसे मतलब इसको एक पाउडर फॉर्म में इसे क्रिएट किया जाता है। देन इसके बाद इस पाउडर को फिर किस में ट्रांसफर करते हैं, एक हीटेड वेसल के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि इससे एक तरह का ये लोग एक लिक्विडी फॉर्म तैयार करते हैं, जिसे वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो इजीली एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एंड फिर उससे ये लोग जो मेन जो डिजाइनिंग होती है ढोकरा कास्टिंग का, जो मेन फीचर है, जो मेन एलिमेंट है, वो इसी मटेरियल के थ्रू उसे क्रिएट किया जाता है। अब मतलब मेन जो एक्चुअल जो ढोकरा कास्टिंग है, जो डिजाइनिंग है, उसका प्रोसेस यहाँ से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है। कोल तार इज एडेड टू द मिक्सचर। अब जो वो क्या बोलते हैं, हम लोगों ने अभी ये दिखा था जो इंसान जो स्टिक्स थी एंड जो कोल तार था, ओ सॉरी चारकोल था, उसके साथ में अब कोल तार को भी ऐड किया जाता है इस मिक्सचर में अंदर। कोल तार दैट मीन्स जो डामर होता है, जिसे सड़क वगैरह बनाई जाती है, उसको इसमें ऐड करते हैं। कुछ जगहों पे इसे प्रॉपर कोल तार से करते हैं, कुछ जगहों पे इसे साल्ट ट्री का जो रेजिन होता है, साल्ट ट्री के रेजिन के साथ में मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके इसका एक स्टिकी जो मिक्सचर होता है उसको क्रिएट किया जाता है। ये जो रीजन रीजन वाइज, ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से इन जो थ्रेड जो बनाए जाते हैं, जो ये मिक्सचर होता है वो रेडी किया जाता है। द मोल्टन वैक्स इज फिल्टर्ड थ्रू अ कॉटन क्लोथ इनटू अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। अब इसके अंदर जब इन्होंने इसको जो कोल तार था और जो चारकोल था प्लस जो इंसन जो स्टिक्स थी, उन सबका जो मिक्सचर था, उसे गर्म किया हाई टेम्परेचर पे। गर्म करने के बाद में उसको फिर कॉटन क्लोथ की हेल्प से उसको फिल्टर करते हैं, एंड जो फिल्टर जब हम करते हैं तो उसको उसके वो एक बड़े से टैंक, वाटर टैंक के अंदर उसको फिल्टर किया जाता है। दैट मीन्स जो भी क्लोथ के हेल्प से जो वो फिल्टर होगा तो वो किस में गिरेगा, वाटर टैंक में गिरेगा। एंड वाटर टैंक के कांटेक्ट में आते ही, क्योंकि वाटर टैंक का जो वाटर होगा वो कोल्ड होगा एंड ये गर्म होता है, जो कोल तार होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो एकदम ठंडा पड़ जाता है एंड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एज कैंडल वैक्स ब्रेक्स इजीली, इट मिक्सड विथ कोल तार एंड इंसेंट स्टिक पावर। अब साथ में इसको कैंडल वैक्स को भी इसमें मिक्स करते हैं वो लोग। द प्रोसेस फ्रॉम द शीट ऑफ चारकोल वैक्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एंड जैसे मैंने बताया था पानी के कांटेक्ट में आते, जैसे वो पानी में फैलेगा एंड वो बाद में इसके कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा होगा, तो वो एक शीट फॉर्म में पूरे वाटर सरफेस पे बन जाती है। एंड उसको जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्राफ्ट में होते हैं, उस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे पिक्चर में आपको सीन हो रहा होगा।
देन इसके बाद वैक्स डो इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ थ्रेड। और जो ये वैक्स था जो एक सॉलिड फॉर्म में था, उसी से ही आपके थ्रेड मतलब जो इस पर डिजाइनिंग की जाएगी उसके लिए जो थ्रेड बनाए जाते हैं वो इसी मिक्सचर से बनाएंगे। तो ये काम जो थ्रेड बनाने का काम होता है वो मैन्युअली भी होता है, और जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को भी ये लोग रेडी करते हैं इस वेसल के अंदर। फर्स्ट वाले जो उसमें आपको दिख रहा है उसके अंदर वेसल के अंदर उसको भरते हैं, देन ऊपर से जैसे आपको दिख रहा है आर्टिस्ट उसके अंदर उसको पोर कर रहा है फर्स्ट वीडियो में। अब वो पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे उसको उसके अंदर डाल रहा है इसके अंदर। एंड सेकेंडली उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा साइड में दूसरी लेडी एक हाथ में एक बड़ा सा जो ये लोग है इसको पकड़े हुए मतलब तना पकड़े हुए, एंड इसके ऊपर इसको क्या करेगी इसके ऊपर ठोकेगी इसको। देन उसके नीचे से एक जाली नुमा प्लेट लगी होती है जिससे वो थ्रेड बन के निकलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको पीटा जाता है ताकि इसके ऊपर वजन डाला जाता है एंड उसकी प्रेशर से वो लोग थ्रेड के फॉर्म में निकल के आता है। एंड यही काम मैन्युअली भी इसे क्रिएट किया जाता है। एंड आर्टिस्ट जैसे आपको दिख रहा है साइड में इन्होंने इन थ्रेड्स को इकट्ठा करते जाते हैं फिर वो लोग, और फिर उसी थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट होता है। थिन वैक्स शीट एंड थ्रेड्स आर रैप्ड क्लोजली अराउंड द मॉडल। एंड इसके मॉडल के जो मिट्टी का बना हुआ जो मॉडल था उसके चारों तरफ इसको बहुत ही पास पास मतलब बहुत क्लोजली इसको पूरा लपेटा जाता है, दैट मीन्स इसकी डिजाइनिंग को क्रिएट किया जाता है इस तरह से। इंट्रिकेट डिजाइंस आर मेड यूजिंग चारकोल एंड द बी वैक्स। और जो बी वैक्स होती है जो चारकोल होता है उसकी हेल्प से इसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइनिंग्स को क्रिएट किया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें पिक्चर में देखिए कितनी सुंदर डिजाइनिंग की जा रही है उस जो कोल तार के जो जो वायर्स बनाए थे जो थ्रेड बनाए थे उससे कितनी सुंदर डिजाइनिंग की जा रही है। इस तरह से पूरा इसे कवर किया जाता है इस थ्रेड की हेल्प से, एंड डिजाइनिंग भी इसी से पूरी जितनी भी डिजाइनिंग होती है इसी थ्रेड के थ्रू से की जाती है। एंड ये जो थ्रेड होता है बाद में जाके जो आपके हीट होती है या आप ये बोलिए फायर के कांटेक्ट में आके ये सारा सारा जो थ्रेड है ये मेल्ट हो जाता है एंड उस इसकी जगह पे पूरा आपका जो मेटल होता है वो पोर हो जाता है। इसी वजह से जो डिजाइनिंग इसमें क्रिएट की जा रही है वो प्रॉपर फिर उसके ऊपर क्रिएट होती है मेटल के अंदर आ जाती है। ये देखिए पूरा इस तरह से पूरी डिजाइनिंग की जाती है। अगर आपको दिख रही है आर्टिस्ट ने कितनी सुंदर डिजाइनिंग की है देखिए। एक एक पार्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिस्ट को उकेरता है इस पे। ये देखिए पूरा डिजाइनिंग उसी थ्रेड के थ्रू से हेल्प से किया जा रहा है। अगेन अ लेयर ऑफ रिवर साइड सॉइल इज अप्लाइड ओवर द मॉडल। ये पूरा कंप्लीट वर्क होने के बाद में दैट मींस जितना भी मेटल का जो पार्ट हमें चाहिए वो पूरा पार्ट आपका इसी थ्रेड के थ्रू पूरा कंप्लीटली कवर किया जाता है। एंड जहाँ पे उन्हें होल चाहिए उस एरिया को वो लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको इस साइड में आपको बिल्कुल ही इसमें पेंट अगर आप देख पा रहे हो तो इस एरिया को छोड़ दिया गया है इस एरिया को, दैट मीन्स यहाँ पे इनको होल चाहिए तो इसको ये ऐसे ही खाली छोड़ देंगे इसको। इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। एंड इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसके ऊपर अगेन जो रिवर साइड सॉइल होती है उसको अगेन इसके ऊपर लेयरिंग की जाती है। आफ्टर ड्राइंग अ कोटिंग ऑफ पाउडर्ड वुड कोल इज अप्लाइड विच गिव स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में वापस से वुड कोल दैट मीन्स जो लकड़ी का जो कोल होता है उसके उसको उसके ऊपर अप्लाइड उसके ऊपर उस पाउडर फॉर्म को वापस से उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि उस स्ट्रक्चर को क्या मिल सके स्ट्रेंथ मिल सके। आफ्टर ड्राइंग अ कोटिंग ऑफ पाउडर वुड कोल
इज अप्लाइड विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसको अब इसके ऊपर कोटिंग की जा रही है, जो पाउडर जो वुड कोल था उसकी कोटिंग की जा रही है। देन ये इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद अगेन इसके ऊपर लेयरिंग होगी, फाइनल लेयर ऑफ टर्माइट सॉइल इज शेपिंग अप्लाइड ऑन मॉडल विच होल्ड्स द स्ट्रक्चर टाइटली वाइल फायरिंग। अब जो जो फाइनल लेयर होती है, दैट मीन्स अभी तक आपने कितने सारी लेयर को इसमें क्रिएट किया, मतलब लगाया, अप्लाई किया जा चुका है। अब जो लास्ट जो इसकी लेयर होती है या फाइनल जो लेयर होती है वो आपकी जो आंट हिल्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा जहाँ पे बिल्ली सॉरी जहाँ पे चींटियाँ अपना घर बनाती है, एंड उसके आसपास आपने देखा होगा चींटियाँ जहाँ पे उनके बिल बने होते हैं उनके आसपास सॉइल निकली हुई होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नाल्ट जो चींटियों के घर के आसपास जो सॉइल कलेक्ट होती है उस सॉइल को कलेक्ट कर करके देन उसके उसी सॉइल से इसके ऊपर लास्ट लेयरिंग की जाती है। तो उस उसको मॉडल के ऊपर अप्लाइड करते हैं विच होल्ड्स द स्ट्रगल टाइटली वाइल फायरिंग। एंड इससे क्या होता है, जो लास्ट जो लेयर होती है जो ये टर्माइट सॉइल से की जाती है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को टाइटली होल्ड करता है, एंड जिससे फिर जब ये फायर के कॉन्टेक्ट में आए तो वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, इस वजह से ये लास्ट लेयरिंग की जाती है। वैक्स रनर इज मेड ऑन द ड्राइड लेयर, एंड इसके ऊपर इस पूरे पोर्शन को करने के बाद में इसकी एक ऐसी जगह इसमें छोड़ा जाता है ताकि जहाँ से इजीली उसके अंदर हम लोग जो मेटल है उसको पोर कर सकें। दैट मीन्स जो आपका जो थ्रेड हमने बनाए थे, थ्रेड अप्लाई किए थे, तो थ्रेड वाला एक नोज़ल, मतलब दैट मीन्स जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको नोज़ल की तरह उसको पूरा पैक नहीं करते, उसके लिए उस जगह को छोड़ देते हैं ताकि, एंड उसके ऊपर एक कप टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके अंदर ही आपके जो मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है, उसमें पोर किया जाता है। ये उसको जो अभी हम जो मेटल जिसके अंदर डालेंगे उसके लिए इस तरह का वेसल तैयार कर रहा है। चैनल इज एडेड टू द चैम्बर विद वैक्स रनर टू मेक द पासेस रेडी। अब देखिए इस तरह से इसको रेडी करते हैं वो लोग, एक कप की शेप में टाइप में इसको बनाया जाता है, इस तरह से दिख रहा है आपको, एंड उसको उससे जॉइंट किया जाता है, जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है बॉटम पार्ट या अपर पोर्शन टॉप पोर्शन वाला पार्ट, जहाँ पे उसका वो लिंक पूरा कम्प्लीटली क्लोज नहीं करते वो लोग, बंद नहीं करते उसको, उस एरिया को उसको ओपन रखते हैं ताकि वहाँ पे और उसी जगह पे इसको ऐड किया जाता है। इस तरह से इसको कम्प्लीटली इसको उस चैम्बर को बना दिया, एंड फिर द मॉडल इज वेट, द मॉडल इज मेड वेट एंड लिक्विड मड एंड कैप्ट ऑन द बर्निंग कोल फॉर फायरिंग। एंड इसके बाद में ये पूरा कम्प्लीटली इसके अंदर पोर करने के लिए भी इन्होंने इसका वेसल बना दिया, एंड सब लास्ट में इसके ऊपर लिक्विड जो मडी टाइप का जो लिक्विड फॉर्म रनी जो फॉर्म होता है मड का, उसके अंदर इसको पूरा कम्प्लीटली कोटिंग करके एंड फिर इसको आग में इसको तपाने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से भट्टी तैयार की जाती है, द फर्नेस इज प्रिपेयर्ड फॉर फायरिंग एंड कास्टिंग, द मॉडल इज मेड वेट एंड लिक्विड मड इज केप्ट ऑन द बर्निंग कोल फॉर फायरिंग। एंड इस मॉडल को इसके ऊपर जो लिक्विड हमने इसको गीला किया था, दैट मीन्स जो लिक्विड मड से, एंड इसके बाद में इसे फायरिंग में, मतलब दैट मीन्स जो आग होता है भट्टी के अंदर उसके अंदर इसको पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है। अनदर फर्नेस इज मेड फॉर मेल्टिंग ब्रास स्क्रैप्स, एंड जो दूसरा जो फर्नेस होता है उसमें अंदर जो जितने भी स्क्रैप होते हैं, दैट मीन जो मेटल के जो स्क्रैप होते हैं उनको क्या करते हैं वो लोग मेल्ट करने का प्रोसेस में तैयार करते हैं। व्हेन द मॉडल इन द फर्स्ट
फर्नेस टर्न्ड रेड, इट इज रेडी फॉर कास्टिंग। अगर आपको आपको दिख रहा है जैसे एकदम जो भट्टी में डालने के बाद हमने जो मॉडल डाला था वो बिल्कुल एकदम रेड कलर का कम्प्लीटली हो जाता है। तो रेड कलर का होने के बाद में जैसे रेड कलर में होता है दैट मीन्स वो क्या हो गया है, पूरा कम्प्लीटली तैयार कास्टिंग के लिए रेडी हो गया। दैट मीन्स अभी तक केवल एक साँचा तैयार किया गया था तो उसके अंदर अब कास्टिंग अब होगी। दैट मीन्स मेटल का जो काम है, मतलब जो मूर्ति वाला जो मेटल का जो मेन कास्टिंग है वो अब इसमें की जाएगी। दूसरी तरफ ग्रीन ब्लू फ्लेम्स आर इन द इंडिकेटर द आइडल टेम्परेचर ऑफ बेल मेटल इज एट लिक्विड स्टेट। अब जो जो स्क्रैप थे, स्क्रैप को जो हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी एक उसका इंडिकेटर क्या होता है या उसकी पहचान क्या होती है, दैट मीन्स उसमें से ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन कलर की उसमें से फ्लेम्स निकलना स्टार्ट होती है, हो जाती है उस स्क्रैप मेटल में से। दैट मीन्स जो आपका मेटल है वो पूरा आपका रेडी लिक्विड फॉर्म में कम्प्लीटली टर्न हो चुका है एंड वो उसको कास्टिंग के लिए वो रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद देखिए लिक्विड मेटल इज देन पोर इन टू द चैनल, और जो उसके ऊपर जो वेसल टाइप का जो हमने चैनल बनाया था उसके अंदर जो लिक्विड मेटल होता है उसको पोर किया जाता है। आप पेंटिंग में देख पा रहे होंगे इस तरह से उसके अंदर उसको पोर करते हैं, ये वेसल के अंदर पोर करती है। देन द मॉडल इज लेफ्ट टू कूल फॉर अ डे, और ये जैसे ही इसके अंदर मेटल के अंदर पोर करते हैं तो ये गरम गरम जो मेटल होता है, हॉट जो मेटल होता है वो धीरे धीरे जहाँ पे वो पॉइंट होता है जहाँ से वो उसका कनेक्शन अंदर वाले जो आर्टिकल होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होता है उसके थ्रू जहाँ जहाँ पे वो वायरिंग वाला काम हुआ था, ब्लैक जो कोल तार वाला जो वायर हमने रेडी किया था उस जगह पे धीरे धीरे क्या होता है ये कोल तार को ये मतलब कि कोल तार वहाँ से गायब होती जाती है, मतलब उसको जला करके कोल तार को, एंड वो वहाँ से वेपर हो जाता है। दैट मीन्स कोल तार वहाँ से वेपर होता जा जाता है एंड ये जो मेटल है वो धीरे धीरे उस पूरे सरफेस को कवर करता हुआ पूरा नीचे टॉप तक एंड तक पूरा पहुँच जाता है। दैट मीन्स वो पूरे एरिया को कवर करते करते पूरा एक आर्टिकल का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर कूलिंग द आउटर मॉडल इज ब्रोकन जेंटली विद द वुडन मैलेट और स्मॉल हैमर। अब पूरा कम्प्लीटली मतलब उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। ठंडा होने के बाद में फिर जो आउटर जितनी भी लेयर होती है, जितनी भी हमने लेयर्स की थी उसे बहुत आराम से और धीरे धीरे उसको किसी भी हल्के जो छोटी हथौड़ी होती है, ये वुडन जो भी मैलेट होता है तो मतलब वुडन की जो बनी हुई हथौड़ी होती है उसकी हेल्प से उसको धीरे धीरे तोड़ा जाता है, मतलब जो क्ले वाला जो पार्ट है उसे धीरे धीरे रिमूव किया जाता है क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर चोट पड़ गई है गलती से आर्टिकल के ऊपर तो पूरा आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको बहुत ही जेंटली इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। इस तरह से पूरी इसको उसको निकालने के बाद में उसकी पूरी सफाई की जाती है। आप देख रहे होंगे जितना भी पार्ट उस ब्लैक थ्रेड से पूरा बनाया गया था वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, मेटल में आ चुका है। दैट मीन्स जो कोलतार वाला जो ब्लैक थ्रेड वाला जो पार्ट था वो किसकी जगह लेता है, मतलब कि वो उस जगह पे आपका पूरा मेटल उस जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। द एक्चुअल शेप ऑफ क्राफ्ट इज देन रब्ड एंड क्लीन एंड द बाद में फिर इसकी पूरी प्रोसेस पूरे तरीके से मैन्युअली या मशीन के थ्रू इसकी पूरी फिर क्लीनिंग की जाती है इसकी। देन फिर जो हमें एक जो आर्टिकल मिलता है वो इस तरह से मिलता है, टोरी अ ट्रम्पेट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज यूज टू समन द इम्पॉर्टेंट गैदरिंग इन द ट्राइबल्स ऑफ बस्तर। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा दिखाया है ये बेसिकली बस्तर एरिया का, मतलब जो ट्राइब्स होती हैं बस्तर रीजन के जो ट्राइब्स होते हैं वो इसी तरह से इस प्रोसेस को पूरा क्रिएट करते हैं एंड ये वहाँ की ही ट्राइब्स का एक
इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है तोरी, जो एक ट्रम्पेट के फॉर्म में ही होता है, सब देख पा रहे हो, दिस इज़ द तोरी। यानी पूरा आर्टिकल आपने, जैसे कि हमने उसमें देखा था ना, मैं थ्रेड को जिस तरह से वो आर्टिस्ट उसे पूरा बहुत पास पास उसके क्लोजली उसको रैप कर रहा था, सेम वही जो इम्प्रेशन है वो आपके पूरे इस मेटल में क्रिएट हो रहे हैं। अब इसका एक थ्योरिकल हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपका उससे डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बस्तर का पूरा आपको ये पूरा बताया है, जो अभी तक मैंने आपको बताया बस्तर रीजन में जिस तरह से ढोकरा कास्टिंग की जाती है, मैंने आपको बताई है। अब आपके बुक में जो मेंशन है वो देखिए, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। उसको देखिए, फर्स्टली रिवर बैंक सॉइल इज़ मिक्स विद द राइस एंड नीड विद वाटर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिवर बैंक की जो ब्लैक सॉइल होती है उसके साथ राइस को नीड किया था वाटर की हेल्प से। मोल्ड इज मेड फ्रॉम दिस मिक्सचर आफ्टर ड्राइंग सेकेंड लेयर कोटिंग ऑफ काउडंग ऑन मोल्ड। जैसे बताया था मैंने कि जो जो मिक्सचर था उससे फिर मोल्ड तैयार करते हैं, दैट मीन्स जो हमें आर्टिकल बनाना है उस आर्टिकल को उससे बनाया जाता है। एंड फिर जो सेकेंड लेयर होती है वो काउडंग के साथ में, वो दैट मीन्स सॉइल के साथ में काउ डंग को मिक्स करके उस पूरे मोल्ड पे लगाई जाती है। जैसे कि ये वाली सेम चीज़ आपके उसमें भी थी, साल्ट ट्री रेजिन एंड द मस्टर्ड ऑयल मिक्स इन इट टू मेक लिक्विड। अब दूसरी तरफ क्या करते हैं, हीटर पे साल्ट ट्री के रेजिन को और मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसको मिक्स करके उसे उस लिक्विड को हीटअप करते हैं, मतलब उसे गर्म करते हैं। आफ्टर स्ट्रेनिंग द बॉयल लिक्विड विद अ क्लोथ कीप इट इन अ मेटल वेसल ओवर द वाटर। एंड इसको भी जो वाटर का जो मेटल वेसल होता है उसके अंदर इसको कलेक्ट करते हैं, एंड वो वेसल पूरा पानी से भरा हुआ होता है, एंड उसको स्ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लोथ। उस जो बॉयल लिक्विड होता है, जो साल्ट ट्री रेजिन और प्लस मस्टर्ड ऑयल का जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसे क्लोथ की हेल्प से उसको स्ट्रेन किया जाता है, एंड वो स्ट्रेनिंग किस में होती है, वाटर वेसल में होती है। आफ्टर कूलिंग इट बिकेम स्टिकी सॉलिडफाइड बट रिमेन सॉफ्ट एंड मैनेबल। ये जो जो हम ये मिक्सचर जिसको हम उसमें वाटर में कलेक्ट करते हैं, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में भी, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और थोड़ा सा स्टिकी होता है। डैट मीन्स ये थोड़ा सा इजीली मैनेजेबल होता है, इससे आप इजीली फिर थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो। हल्का सा उसको आप हीट के पास ले जाओगे और एंड इजीली इसको आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। तो इस तरह से ये एक मिक्सचर रेडी होता है। टेकन इन स्मॉल पीसेस विद इट विद लाइट फ्लेम टू मेक फाइन थ्रेड्स। एंड इसको हीट के पास ले जा करके छोटे छोटे पीसेस को, एंड उससे फिर थ्रेड्स को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। सच थ्रेड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रिप्स। एंड इसे स्ट्रिप के फॉर्म में क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको इन थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आर्टिकल के ऊपर जो थ्रेड को स्ट्रिप फॉर्म में उसको लगाया गया था, अगर आपने मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, द ड्राइड क्ले फॉर्म इज ओवरलेड विद दीज रेजिन स्ट्रिप्स टू गिव इन डिटेलिंग लाइक आईज नोज एक्सेट्रा टू फिगर्स। अब इसी जो थ्रेड्स जो हमने बनाए थे, वो जो मॉडल हमने तैयार किया था, जो क्ले का जो मॉडल रेडी किया था जिसके ऊपर सेकेंड लेयर हमने काउ डंग की थी, अब उसके ऊपर ये रेजिन की हमें जो, दैट मीन्स जो हमने जो अभी जो मिक्सचर रेडी किया था रेजिन प्लस मस्टर्ड ऑयल का, उससे जो हमने थ्रेड बनाए उसी थ्रेड की हेल्प से पूरी डिटेलिंग उस पूरे आर्टिकल के ऊपर की जाती है। दैट मीन्स जो पार्ट हमें मेटल का दिखाना है उस पार्ट को हम पूरा उस थ्रेड के थ्रू हेल्प से पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे। द क्ले इज कवर्ड विद मैनी लेयर्स, फर्स्ट फर्स्ट टू फाइन क्ले, देन मिक्सचर ऑफ काउडंग एंड क्ले, एंड फाइनली द क्ले गॉट फ्रॉम आंट हिल्स मिक्स विद राइस हस्क। इसके ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स होती है, जो पहली आपकी काउडंग के साथ में क्ले के साथ में हुई थी, फिर जो लास्ट फाइनली मतलब कि जितना भी
आर्टिकल वाला जो तुम्हारा डिटेलिंग का जो काम था वो हो गया, एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर जो आंट हिल्स से जो मतलब जो मैंने आपको बताया था चींटियों के घर के आसपास जो मिट्टी जो मिलती है उसको कलेक्ट करके एंड ड्राई हस्क के साथ में मिक्स करके इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है ताकि उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। द सीट एंड बेस अंडर द फिगर इज मेड फ्रॉम ऑब्टेंड फ्रॉम आंट बिल एंड प्लेस्ड इन लोअर पार्ट ऑफ स्टैचू। जो ये जो आंट बिल से जो हमें जो हम लोग मिक्सचर रेडी करते हैं, जो हमें सॉइल मिलती है उससे हम जो मिक्सचर रेडी करते हैं उसी से हम लोग उस आर्टिकल का बेस भी रेडी करते हैं। ऑन अनदर साइड अ कप फिल्ड विथ मेटल पीसेस एंड सील्ड विद अ क्ले राइस हस्क मिक्सचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो दूसरी साइड में एक कप के अंदर मेटल पीसेस को करके एंड उसके अंदर पूरे जितने भी स्क्रैप होता है उसको कलेक्ट किया जाता है एंड उसको फिर हाई टेम्परेचर पे उसको उसको हीट अप करते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। द कप कंटेनिंग मेटल इज प्लेस्ड इन द बॉटम विथ क्ले मोल्ड्स ओवर इट, एंड जो जिसके अंदर मेटल पूरा स्क्रैप किया होता है उसी के उस मेटल वाले कप को और जो हमने जो मेन मॉडल बनाया था उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था पूरा आर्टिकल एंड वन होने वाला था एंड जब उसके ऊपर क्ले की जो कवरिंग होती है तो एक लास्ट वाला पॉइंट उसके लिए उसको छोड़ दिया जाता है एंड उसी लास्ट वाले एरिया के ऊपर आपका एक कंटेनर टाइप का जो क्ले का बना हुआ मोल्ड उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है ताकि जब आप उसके ऊपर लिक्विड मेटल को उसमें डाल पोर करो तो वो इजीली अंदर तक फिल हो जाए, मतलब दैट मीन्स वो अंदर एंटर कर सके। एंड कवर्ड विद द फायरवुड एंड पोर्ट शेड्स, एंड इसको फिर पूरा कवर किया जाता है एंड फिर इसको फायर के अंदर दैट मीन्स जो पूरा फर्नल रेडी किया जाता है उसके अंदर उसको रख दिया जाता है। मतलब कि इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है आपका साथ में ही दैट मीन्स मॉडल रेडी किया मॉडल के साथ में ही एक कंटेनर बना के उसके अंदर स्क्रैप वाला पार्ट भी डाल करके उसे पूरा पैक कर देते हैं एंड उसके अंदर उसको रख दिया जाता है। दैट मीन्स इसमें ऐसा नहीं करना है कि मेटल को अलग से गर्म कर रहे हैं एंड फिर पोर कर रहे हैं, इसमें साथ में ही आपका सारा काम एक साथ कर दिया जाता है इसके अंदर। देन कैप्ड इन अ फर्नल फॉर 2-3 आवर्स टिल द मेटल मेल्ट, इसको 2-3 आवर्स के लिए रख दिया जाता है। द होट मोल्ड इज पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ टॉन्ग्स एंड अ टर्न अपसाइड डाउन स्टीरिंग इट क्विकली एंड द मोल्टन मैक्स मेटल इज पोर्ड इन टू इट। यहाँ पे उसे जो बड़े बड़े चिमटे होते हैं टोंग्स होते हैं उनकी हेल्प से उस हॉट मोल्ड को बाहर लाया जाता है एंड लिक्विड जो मोल्टन मेटल होता है उसको हैंड टू हैंड उसको पोर कर दिया जाता है। द स्टिकी सब्सटेंस ऑफ साल्ट इज एवेपोरेट एंड सॉरी देन मोल्टन मेटल इज प्रॉपरली फिल्ड इन दैट प्लेस। और जो साल्ट ट्री का जो सब्सटेंस जो स्टिकी सब्सटेंस था या थ्रेड थे वो क्या हो जाते हैं धीरे धीरे एवेपोरेट होने लगते हैं, दैट मीन्स वो वहाँ से भाप बन के उड़ने लगते हैं, दैट मीन्स वो गर्म मेटल के कॉन्टेक्ट में आते ही वहाँ से गायब होते हैं एंड मोल्टन मेटल इज प्रॉपरली फिल्ड इन दैट प्लेस। और उसके पूरे एरिया को कौन कवर कर लेता है मोल्टन मेटल कवर कर लेता है। आफ्टर द मोल्ड हैज कूल्ड, जैसे ही मोल्ड धीरे कूल होता है मतलब एक दिन के लिए उसको छोड़ जाता है, द क्ले लेयर आर रिमूव्ड विद द हैमर टू क्लेरिफाई द शेप ऑफ द मेटल। और बहुत ही जेंटली तरीके से हैमर की हेल्प से उस आउटर लेयर को दैट मीन्स जो क्ले की जो लेयर होती है उसको धीरे धीरे रिमूव किया जाता है। इन दिस वे मैनी शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय दिस प्रोसेस, एंड इसी प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट टाइप के शेप्स ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। इवन इसी तरीके से आपके यूटेंसिल्स भी रेडी किए जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह ये सारी आर्टिकल्स इससे रेडी किए जाते हैं। एंड आई होप आपको ढोकरा कास्टिंग समझ में आ गई होगी
एंड उससे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप दोबारा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेराकोटा एंड ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। टेराकोटा इज़ मोस्ट पॉपुलर आइडल मेकिंग इन द होल इंडिया। टेराकोटा ये कॉमन एंड पॉपुलर आइडल मेकिंग का एक प्रोसेस है। अगर आपको सबको पता है, आप सबने आप मिट्टी के बने हुए अपने जो मूर्तियाँ होती हैं या बर्तन होते हैं आपने सभी ने देखे हैं, तो ये एक कॉमन एंड पॉपुलर प्रोसेस है। पॉटर मेक लोकल डाइटीज फ्रॉम लोकल क्ले फाउंड फ्रॉम रिवर बैंक और पोन्ड्स। जो पॉटर्स होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, वो इन इस स्कल्पचर मतलब इस आर्ट को जनरेट करने वाले होते हैं। एंड ये पॉट्स के अलावा, यूटेंसिल्स के अलावा, ये डिफरेंट टाइप के आपके लोकल डाइटीज़ वगैरह, आर्टिकल्स, टॉयज़ वगैरह सभी कुछ रेडी करते हैं। एंड इसके लिए प्रॉपर ये जो मिट्टी लेके आते हैं, मतलब क्ले लेके आते हैं, वो रिवर बैंक और पॉन्ड्स के साइड से ही लेके आते करते हैं। द आइडल मेक मेड ऑफ बेक्ड क्ले आर कॉल्ड टेराकोटा। अब ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 1-2 टाइम ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। व्हाट इज टेराकोटा आर्ट या व्हाट इज टेराकोटा, दैट मीन्स द आइडल मेड ऑफ बेक्ड क्ले आर कॉल्ड टेराकोटा, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आर्टिकल विच आर मेड ऑफ बेक्ड क्ले और कॉल्ड टेराकोटा। जो हम आर्टिकल या जितने भी हम आइडल्स बनाते हैं, जिन्हें प्रॉपर बाद में पकाया जाता है, जिस मिट्टी के बने हुए आर्टिकल्स को हम मिट्टी आग में तपा करके बनाते करते हैं, उसे टेराकोटा हम बोलते हैं। टेराकोटा पीसेस आर बेक्ड फॉर ड्यूरेबिलिटी। और जो टेराकोटा पीसेस होते हैं, इनको बेक जो किया जाता है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। दैट मीन्स ये वाटर कॉन्टेक्ट में आने पर ही ख़राब नहीं होते, इसलिए इनको बेक किया जाता है। द मेन सेंटर्स ऑफ मेकिंग टेराकोटा आर मणिपुर और आसाम इन नॉर्थ ईस्ट, कुछ इन वेस्ट इंडिया, हिल्स इन नॉर्थ, तमिलनाडु इन साउथ, गैंगेटिक प्लेन्स एंड सेंट्रल इंडिया। इसमें अगर आप देख पा रहे हो, इंडिया का मोस्ट ऑफ पार्ट, दैट मीन्स पूरा इंडिया इसमें कवर हो चुका है, क्योंकि कॉमन आर्ट है एंड हर एरिया में इसको क्रिएट किया जाता है। दे आर मोल्डेड इन कलरफुल एंड डेकोरेटिव। और जो ये जिससे जितने भी यहाँ पे जो भी हम क्रिएट करते हैं, दैट मीन जो आर्टिकल इसमें बनाए जाते हैं मिट्टी से, वो कलरफुल भी होते हैं, प्लेन भी होते हैं, एंड उनके ऊपर डेकोरेशन वगैरह के लिए कलर भी किया जाता है इनके ऊपर। दीज आर मोल्डेड बाय हैंड्स और मेड ऑन द पॉटर व्हील। और जो ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये प्रॉपर हैंड के थ्रू भी बनाए जाते हैं एंड इसको पॉटर व्हील पे भी क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मटका हो गया या कोई पॉट हो गया या किसी भी तरह का जो आर्टिकल होता है, उसको पॉटर व्हील पे भी रेडी किया जाता है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हाथ के थ्रू बनाया जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आज का ये लास्ट टॉपिक था। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।